नमस्कार, ज्ञान गर्मिया में आपका स्वागत है। आज है 21 मई 2020 की करंट अफेयर। पहला प्रश्न देख लेते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता? आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरु बुदुर के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी वहां एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे। स्वागत करने के लिए बहुत से आदमी फूल माला चढ़ा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए ये बिट्टे के आतंकवादी ने इस घटना को अंजाम दिया। हमलावर धनु ने एक आत्मघाती विस्फोट को अंजाम दिया और राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका फैसला हर साल 21 मई को मनाए जाने लगा। आतंकवादी विरोधी दिवस को मनाए जाने पर आतंकवादी विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई जाती है स्कूल कॉलेजों में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अभी हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। पहली बार चाय दिवस 2005 में मनाया गया था। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देश में गुणवत्ता चाय उत्पादन का सीजन मई में शुरू होता है। देश में प्रमुख 5 चाय उत्पादक देश हैं, जैसे चीन, भारत, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अलावा मालवी, तंजानिया, बांग्लादेश, युगांडा, इंडोनेशिया और मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। भारत में की सिफारिश से संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की। यूएन ने 21 मई को घोषणा कर, पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था। वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बी का मतलब होता है दोस्तों मधुमक्खी दिवस। जैसे मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ों और चिड़ियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने लिए उनके द्वारा सामने किए जाने वाले खतरे और उनके टिकाऊ विकास के लिए योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मई को इंटोन जनीसा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इन्होंने ही आधुनिक मधुमक्खी का पालन का बीड़ा उठाया था। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन मई के में विश्व में स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी के बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन COVID-19 के खिलाफ भारत के जंग में सबसे आगे खड़े हैं और हिरोकी नकातानी की जगह लेंगे, जो WHO के 34वें सदस्य के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और WHO बोर्ड के हेल्थ और एज ओ है, ये 22 मई को कार्यभारी संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यभारी 22 मई को संभालेंगे। और WHO के बारे में बता दूँ, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम हैं, और उप महानिदेशक हैं सोम्या स्वामीनाथन हैं, और दूसरे हैं ब्रिटेन देश के उप महानिदेशक हैं जेन इलीसन हैं। हाल में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? हाल में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है।
अब केवाईसी का आप 2 साल में बहुत बार दोस्तों नाम सुन चुके हैं। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसका प्रेजेंट टाइम सीईओ है उदय कोटक है। कोटक महिंद्रा बैंक की टैग लाइन है लेटेस्ट मेक मनी सिंपल। हाल में बाबा वाटसन का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? बाबा वाटसन बेसबॉल से संबंधित थे। बाबा वाटसन को द बुल के नाम से भी जाना जाता है। अभी इनका हाल में ही निधन हो गया था। हाल में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया? हाल में फ्लिपकार्ट विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया। फ्लिपकार्ट जो विशाल मेगा मार्ट के प्रोडक्ट हैं उसे सेल करे। जो विशाल मेगा मार्ट के सेंसियत प्रोडक्ट है उसे फ्लिपकार्ट के जरिए आप खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर बंगलुरु शहर में स्थित है। और इसको सचिन बंसल और बिनी बंसल इन दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णन जी हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है। 3 मई 2020 के बाद लद्दाख में कोई कोरोना मरीज नहीं आया, इसीलिए अब लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। अभी दोस्तों कोरोना मुक्त केंद्र शासित वाला पहला राज्य है लद्दाख, और पहला राज्य हो जाएगा गोवा। पहला राज्य पूछा जाए कोरोना मुक्त घोषित किया गया तो गोवा हो जाएगा। और गोवा के लद्दाख में उपराज्यपाल हैं आरके माथुर जी हैं। हाल में गोविंद राजू लू और चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? गोविंद राजू चिंटाला नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। और नाबार्ड बैंक के सीईओ हैं हर्ष कुमार भानवाला हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थिवेन ने इस्तीफा दिया? ए लेसोथो के देश के प्रधानमंत्री। अभी लेसोथो आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। लेसोथो साउथ अफ्रीकन कंट्री है। अभी इसके ही प्रधानमंत्री थॉमस थिवेन ने इस्तीफा दिया। और लेसोथो की कैपिटल है मसरी है और करेंसी लेसोथो मेरेटी है। अभी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे थॉमस थिवेन जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें।